गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बन टोकन से रिलेटेड कुछ खुलासे यहाँ पर करने वाले हैं। खुलासे क्या, ये एक तरीके की रिसर्च है। अगर आप थोड़ी भी क्रिप्टो के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये होने वाली है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बन इकोसिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, जिसको polygonscan.com है, वहाँ पर अवेलेबल है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस चेक करते हैं, या यहाँ पर देखिए ये बन इकोसिस्टम है, तो ये देखिए ये है बन इकोसिस्टम। यहाँ पर सप्लाई वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये ERC20 टोकन है। ERC20 टोकन का मतलब होता है कि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पर बेस्ड था, अब इसको पॉलीगन पर लेकर गए हैं। और ERC20 होने की वजह से इसको इथीरियम और पॉलीगन दोनों के कॉन्टैक्ट एड्रेस पर वेरीफाई करने की हमने कोशिश की। तो रिजल्ट जो आए हैं वो काफ़ी शॉकिंग है, और आप भी इसको देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन या फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज आपके लिए होने वाली है। तो देखिए ये होता है कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस एक तरीके से एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक का एक एड्रेस होता है जिस पर कॉइन का ट्रांजैक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए निर्धारित है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको पॉलीगन स्कैन पर चेक करते हैं तो ये किस तरीके से आएगा। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये अभी polygonscan.com ही है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको आप ब्लॉक स्कैन पर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन ब्लॉक के थ्रू होते हैं, इसीलिए इनको ब्लॉकचेन कहते हैं। तो ब्लॉक पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा ये, जैसे कि ये ERC20 है, तो क्या हम इसे ERC20 को इथीरियम स्कैन पर भी वेरीफाई करते हैं? तो मैं देखिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और सारी चीज़ें आपके सामने करके दिखाता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला ये चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये है etherscan.com। मैं दोबारा से लाइव ओपन करता हूँ, etherscan.com। एक BSC scan होता है BSC scan.com, वो भी इथीरियम की ब्लॉकचेन का ही एक प्रोडक्ट है, आप वहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं etherscan.com पर, और जैसे ही मैं etherscan.com पर ये बन इकोसिस्टम का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करता हूँ, आप ये देखिए 88387 करके इसके लास्ट में है, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर आता है हमें, क्योंकि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन से ही बाइनेंस पॉलीगन ब्लॉकचेन पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट एड्रेस इथीरियम पर भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए मल्टी चैन करके हमें एक चीज़ आती, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। पहले आप क्लियरली देखिए, ये है etherscan.com। etherscan पर हमने यहाँ पर इसको ये कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट किया बन का, तो आप पूरा ये एग्जैक्ट मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर 88387 से एंड हो रहा है ये। जब हम इसको यहाँ पर, जब इन्फॉर्मेशन आती है तो प्राइवेट नेम टैग करके यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जब मल्टी चैन एड्रेस पर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए मल्टी चैन एड्रेस, यानी कि ये मल्टी चैन, जैसे कह रहे थे ना कि इथीरियम की प्राइवेट ब्लॉकचेन पर और मैटिक की पॉलीगन की पब्लिक ब्लॉकचेन पर है, तो यहाँ पर हमें 2 एड्रेस फाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है, शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर है। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये लाइव खुल रहा है। यहाँ पर देखिए हमें BSC scan और पॉलीगन स्कैन। तो पॉलीगन स्कैन तो हम चेक ही कर चुके हैं, polygonscan.com 88387 करके ये पॉलीगन मैटिक पर बन इकोसिस्टम OES के नाम से मिल जाएगा आपको। लेकिन जब हम बात करते हैं BSC scan पर, तो देखिए BSC scan पर हम हर एक डाटा को चेक कर सकते हैं, कौन सा टोकन कहाँ से स्कैन करके कहाँ पर आया है, वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो जब हम इस एड्रेस को वेरीफाई करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी अभी दिख रहा होगा, ये जो बन इकोसिस्टम यानी कि OES का एड्रेस है, और यहाँ पर आपको मिलता है 88387 फाउंड इन 2 different chain। तो ये 2 अलग अलग चैन पर मिलता है, एक BSC scan पर, एक पॉलीगन स्कैन पर। तो BSC scan जो है वो बाइनेंस स्मार्ट चैन पर है। तो चलिए मैं आपको बाइनेंस स्मार्ट चैन ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब जैसे ही हम इसको बाइनेंस स्मार्ट चैन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए एड्रेस तो ओपन हो गया है, एड्रेस ये ओपन हो गया है। यहाँ पर ये क्लिक टू व्यू एड्रेस ऑन अदर चैन करके, तो अदर तो पॉलीगन मैटिक है ही। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि टोकन जो है ये 99.95 बन करके बन टोकन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आता है, यानी कि इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर स्वैप किया गया है, और उसकी जो कॉस्ट है वो 99.95 करके है, जो यहाँ पर ये टोकन में दिखा रहा है। ये सब कुछ लाइव है, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं BSC scan.com पर, polygonscan.com पर। तो जब BSC scan.com पर आप बन का कॉन्टैक्ट एड्रेस, OES का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम हैश ट्रांजेक्शन की बात करते हैं ट्रांजेक्शन में, तो देयर आर नो मैचिंग एंटिटीज। लेकिन
यहाँ पर जब हम BEP20 टोकन ट्रांजेक्शन की को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें हैश भी देखने को मिलता है, और ये 5 दिन 20 घंटे पहले जो है इसको यहाँ पर ये हैश जनरेट हुआ है, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 100 है, ये 100 की क्वांटिटी में हुआ है, और इस टोकन का नाम जो है बाइनेंस पैग BSC USD है। तो अब देखिए ये टोकन यहाँ पर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर वेरीफाई हुआ है, और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से 100 की क्वांटिटी में $99.93 जो ये कीमत है इस पर यहाँ पर ये टोकन बाइनेंस पैग BSC USD से स्कैन किया गया है। यहाँ पर ये आपको हैश का रिकॉर्ड देखने को मिलता है, ट्रांजेक्शन का हैश जो है वो ये है, और ये बाइनेंस पैग BSC BEP2, जैसे हम BSC स्कैन की बात कर रहे थे ना बाइनेंस स्मार्ट चैन पर, तो ये बाइनेंस स्मार्ट चैन से इधर BEP220 का ट्रांजेक्शन यहाँ पर है। अगर आप दूसरा चीज़ यहाँ पर देखेंगे एनालिटिक्स, तो यहाँ पर आपको केवल एक ट्रांजेक्शन मिलेगा देखने को, ये देखिए टोकन ट्रांसफर 1, टोकन कॉन्ट्रैक्ट काउंट 1, तो ये देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप ये देखिए BSC स्कैन पर टोकन ट्रांसफर 4, इस वाले एड्रेस के लिए टोकन ट्रांसफर किए गए हैं कितने 100, और यहाँ पर BSCScan.com करके सोर्स है, और ये बन इकोसिस्टम का कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर है। तो अब इस चीज़ से क्या हमें पता चलता है वो मैं नहीं कहता, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद भी काफ़ी समझदार है, चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर BNB का बैलेंस देखिए, ट्रांजेक्शन फीस देखिए, BNB ट्रांसफ़र देखिए, टोकन ट्रांसफ़र देखिए, तो सारी चीज़ें करने के बाद हमको मिलता है क्या कि 100 टोकन ट्रांसफ़र हुए हैं, 1 टोकन का ये एड्रेस है, BSCScan.com पर इसका सोर्स है, और कमेंट्स भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए मेक श्योर टू यूज़ द वॉट डाउन बटन फॉर एनी स्पैमी पोस्ट एंड बॉट अप फॉर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। तो अगर आपको कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग मिलता है और उसके लिए आप बॉट अप कर सकते हैं, अनइंटरेस्टिंग मिलता है तो आप बॉट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर BEP20 टोकन ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन का हैश क्या है, यानी कि ये क्या वास्तव में 1 टोकन को बाइनेंस का जो BUSD करके है, ये BEP20 टोकन, मैं लो इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, ये भी आपके सामने आ गया। तो इस टोकन का जो नाम है वो देखिए, ये स्टेबल टोकन है बाइनेंस पैग BSC USD, ये टोकन है, इसकी प्राइस $1 है, स्टेबल है, टोटल सप्लाई इसकी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये इतनी सप्लाई है, तो सप्लाई तो काफ़ी अच्छी है। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी इसका आप चेक कर सकते हैं, ये रहा फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके होल्डर्स भी जो हैं ये लगभग 65,71,000 के समथिंग हैं, और ये binance.com पर आपको लिस्टेड मिलेगा ये टोकन। कॉन्टैक्ट एड्रेस इनका ये है, इस कॉन्टैक्ट एड्रेस से उस वाले ये ट्रांजेक्शन हैज का क्या मतलब है ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर ये जो झमेला चल रहा है या ये वही है। देखिए यहाँ पर हम एक मैंने एक दिन और पॉइंट आउट किया था कि जब हम कॉन्टैक्ट एड्रेस पर जाते हैं तो दिस कॉन्टैक्ट में भी ए प्रॉक्सी कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हमें आता है प्रॉक्सी कॉन्टैक्ट, तो ये जो बाइनेंस USD BEP20 है उससे इसकी प्रॉक्सी जो है वो नज़र आ रही है, और ये हमने पूरा यहाँ पर वेरीफाई कर लिया। अब देखिए सिमिलर मैच सोर्स कोड फाउंड, तो सिमिलर मैच कोड यहाँ पर है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, यस विथ 20 रन, ये क्या चीज़ है, ये तो कोडिंग की लैंग्वेज में चीज़ें होती हैं तो वो हमें यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्लियर है कि वन इकोसिस्टम 2 ब्लॉकचेन पर वेरीफाई हो रहा है, एक पॉलीगन स्कैन पर, दूसरा हम यहाँ पर इसको मल्टी चैन एड्रेस है, ये 2 ब्लॉकचेन पर वेरीफाई होता है, एक तो ब्लॉकचेन स्कैन के थ्रू हम बाइनेंस BSC स्कैन पर भी देख सकते हैं, जहाँ पर इसको BEP20 टोकन के थ्रू यहाँ पर 5 दिन 20 घंटे पहले इसको वो किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है ना, ट्रांजेक्शन हैज ये है, एज ये है 5 दिन 2 घंटे, और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर इसको ट्रांसफ़र किया गया है, क्वांटिटी कितनी 100 क्वांटिटी, और इसीलिए यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है। अगर ये जो 5 दिन पहले की हिस्ट्री थी अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसको अगर इम्यूटेबल कर इसको अगर रिमूव कर दिया जाए, तो आप इसको यहाँ पर या तो आप सिंगल वेरीफाई करेंगे जो मल्टी चैन एड्रेस ये आ रहा है, या तो ये नहीं आएगा या फिर ये दोनों जगह से ही गायब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है।
आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं तो इस पर ज़रूर थोड़ी सी नज़र डालिए कि भाई ये क्या चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।